लंदन से बैरिस्ट्री करके आए हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, और यहाँ ये सब गुट्टी गुड़ियों की शादी का खेल खेलना, ये सब तुम्हें शोभा देता है क्या? चलो बोनिता तो बच्ची है, पर क्या तुम छोटे बच्चे हो? अगर मेरे पागलपन से बोनिता के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ जाए तो किसी गोल्ड मेडल से कम हुआ क्या मेरे लिए? क्या हुआ बोनिता? याद रहे, अनिरुद्ध को ना दिखे और ना पता चले इस ताबीज के बारे में। कुछ भी नहीं, वैसे तो बड़ी भोली है हमारी गुड़िया, जरा भी नखरे नहीं करती, पर शुभ काम में देरी नहीं पसंद इसे भी। तो शुरू करें शुभोदृष्टि की रस्म। चलो। रस्मों का शोर बड़ा है, इनसे सब है डराते, ऐसी एक मशाल जला के भेद मिट जाए सारे, थाम कर मेरे हाथ को कदम संग बढ़ा ले, चल यहाँ से साथ में छलांग हम लगाए, करे पार रिवाजों का घेरा, रिश्ता मुस्कुराएगा ही, नई नवेली दुल्हन जो लाया है। पर आपके बाल क्यों फूले हुए थे जब मुझसे शादी की थी? किसी ने जोर जबरदस्ती की थी आपके साथ? आप खुश नहीं थे मुझसे शादी करके? मैं नहीं होने दूंगा ये विवाह। किस रिश्ते की ढाल बनोगे इसको समाज से बचाने के लिए? मैं विवाह करूंगा इससे। किसी भी ऐरी गहरी राह चलती लड़की से कैसे विवाह कर सकते हो तुम? जिस फितूर की आग में तुमने जिम्मेदारी ली है ना उस लड़की की, उस आग में जलोगे तुम और तुम्हारा प्यार सब जलोगे। दरवाजा खोलो ना मिनी, उसे अपने दिल की बात कहने आया है तुम्हारा अनिरुद्ध। मिनी, दिल की सुनना चाहते हो? कुछ नहीं लगती मैं तुम्हारी, चले जाओ यहाँ से अपनी पत्नी के पास। जब परी दीदी की शादी होगी उसमें तो हम जाएंगे ना, वहाँ भी ऐसी ही नाचेंगे, खूब खाएंगे जैसे अभी किया, सारी रस्में करेंगे ना हम। आप मुझे सोने ना दीजिएगा, ठीक है? वैसे परी दीदी के शादी में हम दोनों दुल्हन वालों की तरफ से होंगे ना, मैं तो खूब रोऊंगी जब वो जाएंगे यहाँ से। आप भी बहुत रोएंगे ना पति बाबू जब परी दीदी यहाँ से जाएंगी। बाबू, गाने का नहीं खाने का समय है, चलिए बुलाया है आपको नीचे। अच्छा हुआ तुम आ गई, ये सारी तैयारी देख रही हो बोनिता? ये बाबा की 6 दिन वाली चुनौती के लिए है जिसे हमें साथ में मिलकर जीतना है। एकादशी की महापूजा से पहले अगर इस लड़की की ये आदत ठीक नहीं हुई तो इसे वापस अपनी माँ के यहाँ जाना पड़ेगा। बोनिता, नजरें चुराने से समस्या ठीक हो जाएगी क्या? इलाज करना होगा ना उसका। बोनिता, मेरी ओर देखो और बताओ मुझसे, चाहती हो ना कि तुम्हारी परेशानी दूर हो जाए? हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी परेशानी दूर हो जाए। पर हम क्या करेंगे, इसका कोई इलाज है क्या? क्यों नहीं है, जरूर है इसका इलाज बोनिता। आज से हर रात हर एक घंटे बाद में तुम्हें जगाऊंगा। क्या? क्यों?
ताकि तुम हर एक घंटे बाद गुसल खाने जा सको, ठीक है? पता कैसे चलेगा कि एक घंटा बीत गया है? उसके लिए मैंने ये विनल भोंपू रखा है और हर एक घंटे बाद इसका बजना बंद हो जाएगा, और जैसा इसका बजना बंद हो जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि एक घंटा खत्म हो चुका है और मैं तुम्हें उठाने आ जाऊंगा ताकि तुम गुसल खाने जा सको, समझी बोंदता? पर आप ही सोते रह गए तो? इतनी सारी किताबें हैं पढ़ने के लिए, नींद आएगी क्या मुझे? इसमें अच्छी कहानियां हैं। इनमें कहानियां नहीं है बोंदता, पर शायद इनमें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाए। ये सारी मोटी मोटी किताबें पढ़ेंगे आप? हाँ। अच्छा सुनो, जाते हुए बिहारी काका से कह देना मेरा खाना यहीं लगवा दें, ठीक है? शादी है किसकी? बट्टू के दोस्त की शादी है, उसकी दुल्हन मुझसे भी छोटी है। ये विवाह नहीं हो सकता, गलत है ये विवाह, मैं नहीं होने दूंगा ये बाल विवाह। फिर इस तरह बाबू एक बात पूछूं, एक प्रश्न आया है मन में। हाँ पूछो। वो जो सुबह बार बार कह रहे थे आप कि बच्चों की शादी गलत होती है, बस वही पूछना था, क्यों गलत है बच्चों की शादी? और अगर गलत है ये तो फिर क्यों हो रही है बच्चों की शादी? देखो वंदिता, हर काम करने का ना एक सही वक्त होता है, एक सही उम्र होती है। ऐसा ही विवाह के साथ भी है, शादी करने का भी एक सही वक्त, एक सही उम्र होती है। अच्छा बताओ, अगर मैं तुम्हें खाने के लिए एक कच्चा फल दूं तो क्या करोगी? खाओगी उसे? नहीं, उसे खाकर तो पेट खराब हो जाएगा। वाह। अच्छा एक और बात बताओ, अगर तुम्हारी माँ ने एक मिट्टी का बर्तन बनाया हो पर मिट्टी गीली हो, सूखी ना हो, और वो तुम्हें उसे हाथ लगाने दें तो क्या होगा? एकदम से टूट जाएगा बर्तन। जैसे माँ कभी पूरा सूखे बिना मिट्टी का बर्तन हाथ नहीं लगाने देती। बहुत बढ़िया। अच्छा बोंदिता, जब फूल खिल जाता है तभी उसे तोड़ते हैं ना हम? हाँ, माँ भी कहती है हमें कली नहीं तोड़नी चाहिए, बहुत छोटी होती है ना। ऐसे ही विवाह करने की भी एक सही उम्र होती है बोंदिता, बाल विवाह करना कली तोड़ने जैसा है, जिस कली को ना अपने हिस्से की धूप मिली है, ना हवा ना पानी। अब तुम ही बताओ, बिना फूल बने ही उसे तोड़ दें तो कैसा होगा? समय से पहले मुरझा जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कभी खुशबू नहीं भी खेल पाएगा वो। हाँ। तो क्या हमारी शादी भी गलत है पति बाबू? ये मेरी पत्नी है। शायद हाँ, शायद ना। अभी नहीं बोलता, फिर कभी बताऊंगा, अभी ना सही समय है ना तुम उतनी बड़ी हो कि इस बात को समझ सको। पर अभी मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए उस चुनौती को जीतने के लिए। याद है ना बाबा की 6 दिन वाली चुनौती? साथ दोगी ना मेरा? जाओ बिहारी काका से कह देना खाने के लिए। तो क्या हमारी शादी भी गलत है पति बाबू? एक शाही पुलाव है मालिक। खुशबू इतनी बढ़िया है तो खाना कितना स्वादिष्ट होगा। मुझे खाना कब दोगे भारी बाबू? अनिरुद्ध के भोजन करने के बाद। ये नहीं सिखाया माने कि पत्नी को पति के बाद भोजन करना चाहिए? बिहारी, दादा का खाना उनके स्टडी में रखवा दो, वो वही खाएंगे। जी मालिक। अब खाना खा सकती हूँ मैं? ये हमारे साथ तो बैठकर नहीं खाएगी ना काका, क्योंकि आपने कहा था ये अशुद्ध और अपवित्र है। नहीं, हमारे साथ नहीं, ये वहाँ नीचे जमीन पे बैठेगी। बहू, विलायती नकलचियों की तरह तुम्हें भी मेज कुर्सी पर बैठकर खाना है? नहीं ना, खाने का असली स्वाद और पाचन तो जमीन पर बैठकर खाने से ही होता है ना। और वैसे भी समस्या वाली बहू हो तुम वहाँ सबसे दूर कोने में बैठकर खाओगी। समस्या वाली बहू, अच्छा नाम है ये। बिहारी, खाइए ना मालिक, आपके इतने बड़े थे तो 40-50 ऐसी खा जाते थे। ये ठंडी है। बिहारी, जानते नहीं
लड़कों को गर्म पूरी देनी चाहिए, ठंडी पूरी बहू को दे दो। लड़के और लड़कियों में ये भेद क्यों? पति बाबू ने तो कहा था दोनों बराबर हैं। क्या हुआ बहू? प्रश्न कौन रहे हैं दिमाग में? गलत लगा जो मैंने किया? मैं तो बस ये सोच रही थी काका ससुर कि कितना अच्छा होता अगर हवा और सूरज भी ठंडे गरम का भेद करते। पूरी की जगह हवा होती तो लड़कियों को हमेशा ठंडी हवा लगती और लड़कों को गरम। तेज सूरज सर पे हो तो लड़कों को गरम लगता और लड़कियों को ठंडा। पर ऐसा होगा क्या? अगर नहीं तो हम लड़के लड़कियों में भेद क्यों करते हैं? बहू, ठंडी पूरी तो इसलिए दी जा रही है तुम्हें ताकि तुम मजबूत बनो, धरती माँ की तरह सबका बोझ सहन कर सको, तुम सहनशीलता बढ़े तुम्हारी। कुछ गलत है इसमें? मंदिर में दुर्गा और काली की शक्ति पूजा करते हैं, फिर भी घर की लक्ष्मी को कमजोर क्यों समझते हैं? चुप, तर्क कुतर्क करना बंद करोगी तुम कभी? भूख लगी थी ना तुम्हें? चलो खाओ, मुंह भी बंद रहेगा तुम्हारा। काका ससुर, मुंह बंद रहेगा अगर मुंह में रसगुल्ला होगा। बिहारी, पानी दो बटुक को। अब बिस्तर गीला करने के कारण पहले ही सब नाराज है मुझसे। मुंह खुला है रसगुल्ले खाने को पर मांग भी नहीं सकती। पर कुछ तो करना पड़ेगा। रसगुल्ला सामने हो और बोंदिता के मुंह में नहीं अच्छा लगता है क्या? मुझे ये मेरा तीखा लग रहा है। मुझे तीखा लगा? आपको पानी देता हूँ। पानी देकर डांट खानी है क्या बारी बाबू? भूल गए आप? बिस्तरा बाबू ने गिन गिन के पानी देने को कहा है मुझे। कुछ और तो मुझे मिलता है कुछ। अरे सामने ही तो है रसगुल्ला, जल्दी लाओ ना, तीखा लग रहा है मुझे। मीठा लाओ जल्दी। खाना खाने की जगह पे भी भेदभाव काका। भेदभाव आपने नहीं किया बिस्तरा बाबू। नीचे बैठकर खाना खाने की आदत है मुझको, पर मेरे रसगुल्ले बट्टू को क्यों दिया आपने? वो आपका भाई है इसलिए। सच में तो ये भेदभाव हुआ ना? नहीं बोंदिता, बट्टू को इसलिए रसगुल्ले नहीं दिए क्योंकि वो मेरा भाई है, बल्कि इसलिए दिए क्योंकि तुम्हारा आज से मीठा और नमकीन खाना बंद। ये रसगुल्ले, लड्डू, नमकीन सब कुछ बंद। पर क्यों? प्यासा रखना काफी नहीं? भूखा रखना चाहते हो अब क्या मुझे? खाना खा सकती हो पर ये सब नहीं। मैं अभी अभी जो किताब पढ़ रहा था उसमें लिखा है कि ये सब नमकीन और मीठा खाने से इंसान को ज्यादा प्यास लगती है। इंसान को ज्यादा प्यास लगती है तो इंसान ज्यादा पानी पीता है, और तुम ज्यादा पानी पियोगी तो बिस्तर। अपनी मुसीबत बढ़ानी है या कम करनी है बोंदिता? हमें मिला रसगुल्ला और किसी का मुँह रह गया खुला। रसगुल्ले खाने नहीं दिए, नमकीन में मना कर दी, पानी भी नाप तोल करके पीना है। ये पत्ती है या राक्षस? रसगुल्ले ही क्यों नजर आ रहे मुझे? अभी भी दिख रहे, पर क्यों? क्योंकि ये सच में सामने बने हैं। ये चित्र इसीलिए लगाए हैं ताकि तुम याद रखो क्या क्या नहीं खाना है, पानी कितना कम पीना है,
आंखों के सामने लगा रहेगा तो भूलोगी नहीं ना तू। तुम ठीक हो ना बंदिता? क्या हुआ हाथ पर? याद रहे, अनिरुद्ध को ना दिखे और ना पता चले इस ताबीज के बारे में। मच्छर ने काट लिया मुझे। मच्छर यहाँ? बहुत सारे मच्छर है ना। पर मुझे मच्छर ना दिखाई दे रहे हैं ना काट रहे हैं। क्या पता वो भी भेद करते हो लड़के और लड़की में। बंदिता आज से तुम कुर्सी पर नहीं आराम से इस पलंग पर सोओगी। तुम्हारे लिए लाया है ये। पर इससे समस्या बहू की समस्या दूर होगी क्या? समस्या बहू? काका ससुर जी ने कहा है कि समस्या बहू हूँ मैं। चिंता ना करो बंदिता, तुम्हारी इस समस्या को ज्यादा दिन तक रहने नहीं दूंगा मैं। उसी पर तो काम कर रहा हूँ, तुम इस पर सो जाओ ठीक है। मेरी पहली कमाई से तुम्हारे लिए कुछ तोहफा लाया हूं। जरा अपने बालों में लगाकर दिखाओगी? इतना सज सवर कर मेरे बेटे के कमरे में जा रही है। खबरदार जो मेरे बेटे के पास भी गई तो अगर वो तुझसे बात करे तो चुप रहना। हर हाल में सौरभ से दूर रहना, समझी? क्या हुआ संपूर्णा, कचरा लगा क्यों नहीं रही हो? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे संपूर्णा। संपूर्णा मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। संस्कार के साथ साथ जबान भी मायके छोड़ आई हो तुम। ठीक है जवाब भले ही ना दो लेकिन पति की हर बात तो माननी होगी तुम्हें ना। तो अब इसे मेरा आदेश समझो, लगाओ इस गजरे को। संपूर्णा मैंने कहा लगाओ इस गजरे को। एक कार चिपकाया है बिरिस्ता बाबू ने ये कागज। इतना भी नहीं जानते राक्षस बाबू कि इससे समस्या बढ़ेगी घटेगी नहीं। अब रसगुल्ले की हांडी और ये सब हमेशा आँखों के सामने रहेगी तो और ज्यादा नहीं ललचाएगा दिल। और ज्यादा मुंह में पानी आया तो ज्यादा नहीं खाऊंगी मैं। माँ ने तो कहा था कि बहुत अच्छे हैं पति बाबू, पर मैं समझ गई हूँ बिल्कुल अच्छे नहीं है मेरे पति बाबू। बंदिता, बंदिता, बंदिता उठो गुसल खाने जाकर आओ। ये तो सोने का समय है। बंदिता समय समय से बाथरूम जाओगी ना तो रात को दिक्कत नहीं होगी। उठो बंदिता, तुम उठो ना। तुम चिंता मत करो मैं उठाती हूँ बंदिता को। मिनी तुम इस समय यहाँ पे? हाँ मैं। क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब बात हम बाद में करें। बंदिता उठो, चलो उठो। मिनी मदद के लिए थैंक यू, पर तुम्हें जाना चाहिए, मैं संभाल लूंगा। किस पर रिसर्च कर रहे हो? बंदिता की बीमारी पर? देखो तो मैंने कहा ना मिनी, अभी जाओ।